नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र डूडी। राजस्थान इतिहास के लिए काफी चर्चा है हमने की पहले राणा कुंभा के बारे में। आज जो अपना मैटर रहेगा वो रहेगा राणा कुंभा की संधियां व साहित्य रचनाएं। उससे पहले मैं आपको विशेष बता देता हूं कि जल्दी ही राजस्थान में जो आरपीसी और आरएसएम की बोर्ड है उनके द्वारा सूचना ले दी गई है, रीट सेकंड ग्रेड और जो अपनी रहेगी पटवार की वैकेंसियां हैं वो आने जा रही हैं। तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, बुकों का सहारा लीजिए और यूट्यूब वीडियो है उनको भी आप देखने का प्रयास करें, आपको अच्छा मैटर मिलेगा। हमने इसी पहल के लिए काम शुरू किया है कि बच्चों की इच्छा थी कि सर आप वीडियो बनाइए, तो उसके साथ मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे राणा कुंभा की संधियां और साहित्यिक रचनाएं। देखिए, संधियों में पहली अगर हम बात करें तो एक संधि आती है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। अब जो आवल बावल की जो संधि है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इसे आवल बावल की संधि क्यों कहा जाता है। तो ध्यान में आप रखोगे कि भाई इसे आवल बावल की संधि क्यों कहते हैं। देखो, मारवाड़ी के मायने आवल को मतलब आंकड़ो, कि मतलब आंकड़ो सगड़ा जाना आपा का आंकड़ो क्या लिखा है, ठीक है। अभी के बाद बावल में देखो बबूल, क्यों है बबूल। अब देखो आवल और बावल, अब बबूल से जानो क्यों है, अरे घूमो किक्रियन क्या है, क्या लिखा है किक्रियन है। हाँ, किक्रियन क्या बबूल, नाम तो घड़ो ही फूट रहा है कई बार भाई साहब। नाम तो वह राजरानी बिगड़ा के देखा था किटा के है नहीं। हाँ, तो बात चीज ध्यान में रखा। आवल बावल की संधि है ये हुई थी 1456 में। कब हुई थी? 1456 में हुई थी। ध्यान में ये रखोगे कि संधि हुई थी राणा कुंभा, एक तरफ कौन थे राणा कुंभा और दूसरी तरफ थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। अब ध्यान में आप ये रखोगे कि भाई ये संधि क्यों हुई। मैं आपको बता दूं कि 1438 के अंदर, कब 1438 के अंदर जोधा के पिता थे रणमल, इनकी हत्या करवा दी थी कुंभा ने। रणमल की हत्या बारहवीं सेन से कुंभा ने करवा दी, चलो कोई बात नहीं। अब राव जोधा कुंभा से नाराज था तो रणमल की बहन और जोधा की, देखो रणमल की तो थी बहन और जोधा की थी बुआ, जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। अब जो ये हंसाबाई है ये कुंभा की लगती थी दादी, तो रिश्तेदार हो गए कि नहीं हो गए। अब कभी भी हंसाबाई नहीं चाहेगी कि उसके पोते में और उसके भतीजे में लड़ाई हो, तो उसने इन दोनों के बीच कौन सी संधि कराई? आवल बावल की संधि करवा दी। संधि करवाने से क्यों? देखो, आवल बावल की संधि की जो केंद्र बिंदु वो सोजत पाली। कैसी और है? सोजत पाली। क्यों? मात्र शक्ति तो शायद पता होगा सोजत पाली किस लिए मेहंदी के खातर प्रसिद्ध है, जति जो की राजा ने बतो ही ज्यादा प्रेम हुआ है, समझ गए थे ना। हाँ, तो ध्यान रखे सोजत पाली इसका केंद्र बिंदु था। और इस संधि के तहत पहली बार मारवाड़ व मेवाड़ सीमाओं में विभाजन। ये आप ध्यान में रखोगे कि किस संधि के तहत हुआ सीमाओं में विभाजन, तो आपका उत्तर रहेगा आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं में विभाजन हुआ। अगर देखें तो जो राणा कुंभा है इनके पुत्र थे जिनका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। और जो राव जोधा है इनके पुत्री थी जिनका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। ध्यान में आ रहा क्या? कसम दी उस समय ज्यादा फायदा हुआ रायमल ने श्रृंगार देवी से, अगर ब्याह हो गया। क्यों हो गया? ब्याह हो गया। तो रायमल और श्रृंगार देवी को ब्याह किसी संधि के तहत हुआ? आवल बावल की संधि के तहत। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा को विभाजन किसी संधि के तहत हुआ? आवल बावल की संधि के तहत। कद हुई 1456 में, एक तरफ मेवाड़ और दूसरी तरफ है मारवाड़। तो ये आप ध्यान में रखोगे मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में कौन सी संधि हुई? आवल बावल की संधि। काम हुई सोजत पाली में, तो ये हमारी रहेगी आवल बावल की संधि। उसके बाद में बात करेंगे हम चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है, आप एक बार देख लेना दोबारा। जो चंपानेर की संधि है ये कब हुई थी ये हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि है ये भी आपको गाइडों में कई की जगह कई सने मिलेंगी, लेकिन ये संधि भी हुई थी 1456 के अंदर। कब हुई थी? 1456 में। एक तरफ में ये संधि रहेगी, एक तरफ मालवा और एक तरफ था गुजरात। कौन सा क्षेत्र?
गुजरात का क्षेत्र। देखो जो मालवा और गुजरात है, मालवा के शासक तो थे महमूद खिलजी। कौन थे? महमूद खिलजी। तो आप समझ गए होंगे कि महमूद खिलजी और ये संधि किसके मध्य हुई? गुजरात के शासक कुतुब खान के मध्य। किसके मध्य हुई? कुतुब खान के मध्य। देखो मैं आपको बताऊं कि इस संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भाई मालवा का और गुजरात, गुजरात के शासक कुतुब खान को बदनौर में कुंभ हरा चुका था और मालवा के शासक महमूद खिलजी को सहारनपुर में कुंभ हरा चुका था। क्या ये दोनों कुंभा से हार चुके थे? तो भाई आपने मारवाड़ी के दुश्मन को दुश्मन बने तो भाई लोग आपसे दोनों के बढ़ गया भाई ना बढ़ गया। किसी संधि के तहत चंपानेर की संधि के तहत। तो संधि को उद्देश्य के हो, उद्देश्य के हो तो आज ये जानना खतरा अपन देख लो पड़सी कि मेवाड़ को दो भागों में विभाजित करना, मेवाड़ को दो भागों में विभाजित करना, भागों में विभाजित करना। यानी कहने का मतलब वो है कि मेवाड़ ने दो भागा मांड लेनो की नरारे कुंभा नरार कुनकुने महमूद खिलजी कुतुब का। लेकिन कुंभा द्वारा इस संधि को क्या कर दिया गया? असफल कर दिया गया। मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुब का दोनों को हरा दिया गया। तो ये संधि भी क्या रही थी? असफल रही। तो हमने पढ़ी आवल बावल की संधि और उसके बाद में पढ़ी चंपानेर की संधि। अब बात करते हैं राणा सांगा के साहित्यिक जो रचनाएं थी उनके बारे में, राणा कुंभा का जो साहित्यिक विकास था उसके बारे में। तो देखिए राणा कुंभा है वो एक अच्छे राजनीतिक के अलावा और क्या थे? कोई बताएगा? अच्छे राजनीतिक के अलावा एक अच्छे योद्धा थे। अच्छा कहा जाता है वो कुशल एक प्रशासक थे। अगर देखे तो उन्हें साहित्य का बहुत ज्यादा नॉलेज था, अच्छे मतलब वक्ता थे। तो देखिए राणा कुंभा की अगर बात करें हम साहित्य की, तो साहित्य के अंदर इनका पहला नाम आता है, इनकी पुस्तक आती है जो स्वयं कुंभा की, कुंभा द्वारा रचित हम देखते हैं पहले, स्वयं कुंभा द्वारा रचित, कुंभा रचित देखते हैं। तो पुस्तक का नाम आता है रसिक पीरियड। कौन सी पुस्तक है? रसिक पीरियड। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये रसिक पीरिया कौन सी पुस्तक है? तो आप ध्यान में रखोगे रसिक पीरिया कुंभा द्वारा रचित गीत गोविंद पर एक टीका है। कौन सी पुस्तक पर? गीत गोविंद नाम की एक पुस्तक थी जो लिखी थी जयदेव ने। किसने लिखी थी? जयदेव ने। इस जयदेव की गीत गोविंद पर कुंभा ने लिखी रसिक पीरिया नाम की टीका। अब जो टीका है ये संस्कृत का शब्द है। टीका को मतलब हो वह है कि जे कोई बड़ो ग्रंथ है, जे धारकन मतलब कोई बड़ी गाइड थे ले लियो, अरबी गाइड का मायने होगा छोटा नोट्स बना लियो मैं बिन गमे टीका। तो गीत गोविंद के ऊपर टीका पढ़ लिखी राणा कुंभा और उनका कसीदे की रसिक पीरिया। तो ठीक है। दूसरी इनकी आती है राजवर्णन। कौन सी की पुस्तक है? राजवर्णन। ये भी कुंभा ने लिखी थी, इस ये भी एक टीका ही थी। लेकिन ये जो टीका है ये कर्ण व्यास का एक ग्रंथ था एकलिंग महात्म में। कौन सा ग्रंथ है? एकलिंग महात्म में। एकलिंग महात्म में जो ग्रंथ है ये लिखा था कर्ण व्यास ने, और कर्ण व्यास ने इस ग्रंथ का जो प्रथम भाग है वो किसको लिखने को दिया था? राणा कुंभा को। और उसी प्रथम भाग को कहते हैं राजवर्णन। तो एकलिंग महात्म में ग्रंथ का पहला ग्रंथ है, प्रथम भाग है राजवर्णन, वो किसने लिखा? कुंभा ने लिखा। अब देखिए आपको मैं विशेष बात बताता हूं कि जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है वो तो कर्ण व्यास ने लिखा था, लेकिन एकलिंग महात्म्य का जो मंदिर है ये है कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, जिसे हम कहते हैं काले भोज। अरे सुन लो को नहीं कहता जो चार बकरा दिन का खातोर यहाँ खातोर मियाँ खातोर 35 में हाथ की धोती पहरिया करतोर। आपने तो गांव में तिरपाल बढ़ जा 35 हाथ की वो बढ़ जा कर बढ़ जा गांव का कम कम स्वाद में धोती करा लियो चल है कि नहीं? अरे है को नहीं? हाँ तो ध्यान में रखो। तो ओ बप्पा राव चेपेड़ी है साथ ही साथ आपने मीटर पर ध्यान दो। तो बप्पा रावल ने कैलाश उदयपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग महात्म्य का। चलो वापस आते हैं। राणा कुंभा की एक रचना आती है संगीत राज, सबसे पॉपुलर रचना, अक्सर एग्जाम का हिस्सा रहती है संगीत राज। तो इसे ध्यान में रखोगे और इसे माना जाता है संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ। संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ किसमें लिख दिया था? राणा कुंभा ने। ये ध्यान में रखोगे आप बड़ा ग्रंथ, ये राजस्थान में संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है संगीत राज। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? संगीत गुरु। तो ध्यान में रखोगे राणा कुंभा के संगीत गुरु थे
सारंग देवी। क्या नाम था? सारंग देवी। उसके बाद में इन्होंने पुस्तक लिखी संगीत मीमांसा। कौन से ग्रंथ लिखा? संगीत मीमांसा। उसके बाद में इन्होंने लिखा सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध लिखा। उसके बाद में लिखा सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। तो ये राणा तुम्बा की प्रमुख पुस्तकें जो आरपीसी के एग्जामों में लगभग पूछी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इन्हीं के दरबार में एक दरबारी था मंडल, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार माना जाता था। मंडल, मंडल है इनकी पुस्तक थी राजमंडल, रूपावतार मंडल, रूपावतार मंडल। उसके बाद में कहा जाता है राजवल्लभ मंडल, ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद में इनकी एक पुस्तक का नाम आता है कोदम मंडल, सल्ले मंडल। ये इनकी क्या थी? मंडल की प्रमुख पुस्तकें थी। राणा कुंभार के दरबार में ही कौन रहते थे? आप ये ध्यान में रखोगे, राणा कुंभार के दरबार में थे नाप्पा, ये भी प्रमुख थे, और एक थे नाथा। नाथा ने एक पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? वास्तु मंजरी। ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये राणा कुंभा के शासनकाल की प्रमुख पुस्तकें थी, जिनके बारे में आप विस्तार तौर से ध्यान में रखोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि राणा कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। ये कुंभा की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, ये आप इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आप ध्यान में रखोगे, राणा कुंभार की पुस्तकें तो आपने देख ही ली है सारी। ये राणा कुंभार के शासनकाल में लिखी पुस्तकें थी। रमाबाई जो है ये कुंभार की पुत्री थी, और इसे कहा जाता था वागीश्वरी। क्या कहा जाता था? वागीश्वरी। कई बार 2013 थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम थी उसके अंदर एक प्रश्न पूछा था कि वागीश्वरी है वो किसकी पुत्री थी, तो राणा कुंभार की पुत्री थी। और ये अच्छी संगीतज्ञ थी और नर्तकी थी। इसका जो प्रमुख स्थान था वो था जावर उदयपुर। इसका जो कर्म भूमि थी, कई बार कर्म भूमि पूछी जाती है रमाबाई की, तो जावर उदयपुर। यहां पर इन्होंने रमा कुंड और रमा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान में रखोगे, रमा कुंड और रमा मंदिर का निर्माण जावर उदयपुर में किसने करवाया था? रमाबाई ने करवाया था। तो ये अपने जो राणा कुंभार के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई। अगर देखें तो यहाँ अपना एक शासक प्रमुख राजा है, वो राणा कुंभा खत्म होता है। आगे की चर्चा है वो हम कल की क्लास में करेंगे, और हम कल की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के एक वीर पुरुष जिनका नाम था राणा सांगा। राजस्थान इतिहास के लगभग चैप्टर में उनका मैटर आता है, तो राणा सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर कुंभार के बारे में आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको विशेष तौर से फिर बता दूं, अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आरपीसी के एग्जाम और आरएसएसएमबी बोर्ड के एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस मेंस है, और उसके बाद में जो रीट की भर्ती आने वाली है उसके बारे में पटवार मुख्य विशेष तौर से। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मिलते हैं नई सोच, नए विचार और नई आशा के साथ।